गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट जोधपुर। बात करते हैं आज सॉल्यूशन चैप्टर, जो कि ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कंबाइन टू फॉर्म सॉल्यूशन। जब भी कोई सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। जैसे मैं बात करूं कि अगर शुगर डाला जाए पानी में, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें शुगर और पानी दोनों की ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। जबकि अगर पानी में सॉल्ट डाला जाए तो उसमें जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें सॉल्ट के करैक्टर्स भी होंगे और वाटर के करैक्टर्स भी होंगे। इसलिए याद रखें, कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन रिमेन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज इन सॉल्यूशन स्टेट आल्सो। तो याद रखें, सॉल्यूशन बनने पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की केमिकल प्रॉपर्टी भी इंटैक्ट ही रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी। ये नहीं होगा कि तुमने सॉल्ट डाला और उसमें सॉल्ट का कोई करैक्टर ही नहीं आए, ऐसा नहीं होगा। क्लियर। बात करते हैं अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन होगा। तो याद रखें, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू, या यू कह दें फिजिकल, बेटर मैं कह दूं फिजिकल बात करें सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो याद रखें, जैसा सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी वैसी ही सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी। या यूँ कह दें सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से, या यूँ कह दें दोनों कंपोनेंट्स में से, वो कंपोनेंट जिसकी फिजिकल स्टेट और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सेम हो वो सॉल्वेंट कहलाएगा। जैसे मैं बात करूं, 10% वेट बाय वेट एक्वस शुगर सॉल्यूशन, मतलब हुआ इसमें 10 ग्राम शुगर प्लस 90 ग्राम वाटर। ध्यान दें, सॉल्यूशन में एक्वस वर्ड है, तो सॉल्यूशन यहाँ पर लिक्विड स्टेट वाला है। 10 ग्राम शुगर, शुगर हमेशा सॉलिड स्टेट की होती है, जबकि वाटर की फिजिकल स्टेट लिक्विड। तो सॉल्यूशन लिक्विड है, इसलिए इनमें से जो लिक्विड वाला पार्ट है वो क्या बनेगा, सॉल्वेंट। तो यहाँ पर वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, जबकि जो शुगर है वो यहाँ पर सॉल्यूट है। अगर इसी एग्जांपल में मैं कह दूँ कि 10% की जगह मैं कह दूँ 80% वेट बाय वेट एक्वस शुगर सॉल्यूशन, तो 80% वेट बाय वेट का मतलब हुआ कि 80 ग्राम शुगर और 20 ग्राम H2O। शुगर सॉलिड, याद रखें, अब ध्यान दें 80 ग्राम शुगर, ध्यान दें इसका अमाउंट ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, फिर भी ये सॉलिड होने के कारण से सॉल्यूट है, क्योंकि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए, सेम। तो सॉल्यूशन यहाँ पर लिक्विड है, इसलिए जो लिक्विड पार्ट होगा वही क्या बनेगा, सॉल्वेंट बनेगा। तो ध्यान रखें, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो एक्सेस में होता है वो सॉल्वेंट और जो लेस अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट, ऐसा नहीं होता है।
तो इस एग्जांपल से याद रखें। तो तुमने पढ़ा हुआ है जनरली कि जो एक्सेस अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट और जो लेस अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर ऐसा कब होगा? क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है। ये कब होगा? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की फिजिकल स्टेट क्या हो? सेम। याद रखें, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सिमिलर, अगर फिजिकल स्टेट सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अगर सेम होगी तो जो एक्सेस अमाउंट में होगा तो कॉम्पोनेंट विच विल बी इन एक्सेस अमाउंट विल बी नोन एज सॉल्वेंट, और कॉम्पोनेंट इन लेस अमाउंट विल बी सॉल्यूट। जैसे एग्जांपल बात करें कि 20% वेट बाय वेट एक्वस एथेनॉल सॉल्यूशन, एक्वस मेथेनॉल सॉल्यूशन, एग्जांपल बात करें 20% वेट बाय वेट एक्वस मेथेनॉल सॉल्यूशन, जिसका मतलब हुआ 20 ग्राम मेथेनॉल प्लस 80 ग्राम वाटर। ध्यान दें, एक्वस मेथेनॉल सॉल्यूशन लिखा है, एक्वस लिखा है मतलब सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट लिक्विड, मेथेनॉल भी लिक्विड ही होता है फिजिकल स्टेट, और वाटर की फिजिकल स्टेट भी लिक्विड। तो ध्यान दें, तो इन दोनों कंपोनेंट्स की फिजिकल स्टेट सेम होगी, इसलिए जो ज़्यादा अमाउंट में है जो कि वाटर है वो तो क्या बनेगा? सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट हुआ और मेथेनॉल सॉल्यूट हो गया। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 80% वेट बाय वेट एक्वस मेथेनॉल सॉल्यूशन, तो मतलब हुआ 80 ग्राम मेथेनॉल और 20 ग्राम वाटर। तो इस केस में दोनों ही लिक्विड हैं, तो जो एक्सेस में है जो कि मेथेनॉल है वो क्या बन जाएगा यहाँ पर? वो बनेगा सॉल्वेंट। याद रखें, जबकि वाटर जो लेस अमाउंट में है वो क्या बन जाएगा? सॉल्यूट। तो तुमने जो आज तक पढ़ा है कि एक्सेस अमाउंट वाला सॉल्वेंट और लेस अमाउंट वाला सॉल्यूट, ये कब काम में आएगा? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सेम हो। अगर ये सेम नहीं हो तो पहले वाली बात याद रखें कि सॉल्वेंट की जैसी फिजिकल स्टेट हो वैसी फिजिकल स्टेट किसकी होगी? सॉल्यूशन की। क्लियर? नेक्स्ट बात करें, टोटल 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, आउट ऑफ विच फर्स्ट इज वेयर सॉल्यूट इज गैस एंड सॉल्वेंट इज गैस, सो नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट। याद रखें, नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट, सच सॉल्यूशन आर नॉन एज गैसियस सॉल्यूशन, एग्जाम्पल एयर विच इज ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ अदर गैसेज। सेकेंड, लिक्विड इन गैस गैसियस सॉल्यूशन क्लाउड्स, सॉलिड इन गैस गैसियस सॉल्यूशन स्मोक, स्मोक हैव सम सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन गैस, गैस इन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक विच हैज CO2 गैस, लिक्विड इन लिक्विड एग्जाम्पल एथेनॉल इन वाटर, सॉलिड इन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एग्जाम्पल शुगर विच इज सॉलिड डिजॉल्व्ड इन वाटर, गैस इन सॉलिड नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज सॉलिड सॉल्यूशन एग्जाम्पल H2 एडजॉर्ब ऑन प्लेटिनम एज यू सी इन हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, लिक्विड इन सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन एग्जाम्पल जिंक अमलगम, सॉलिड इन सॉलिड एग्जाम्पल अलॉय। सो आउट ऑफ 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन टोटल वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच इज गैस इन लिक्विड लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन
लिक्विड, ये तीन टाइप के सॉल्यूशन अपन इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, बाकी इसमें नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बात करें वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, तो ध्यान दें, जैसे मैं एक बात करूं, ये कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड है, अगर इसमें कोई लिक्विड फिलअप किया जाए तो इस लिक्विड से हमेशा एक वेपर बनेगी। ध्यान दें, एक बात तो मैं पूछूं तुमसे, क्या वेपर बनने के लिए या वेपोराइजेशन के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है? तो ध्यान रखें, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट वेपोराइजेशन के लिए नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कम टेम्परेचर पर कम वेपोराइजेशन होगा और ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा वेपोराइजेशन होगा। जैसे सर्दियों में वेपोराइजेशन धीरे होता है, इसलिए कपड़े तेज नहीं सूखते हैं, धीरे सूखते हैं, जबकि गर्मियों में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है, इसलिए वेपोराइजेशन ज़्यादा होता है और कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो याद रखें, वेपोराइजेशन केवल जीरो केल्विन पर नहीं होता, जीरो केल्विन के अलावा हर एक टेम्परेचर पर वेपोराइजेशन होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर हीटिंग नहीं शो की, क्योंकि वेपोराइजेशन इज पॉसिबल एट एवरी टेम्परेचर एक्सेप्ट जीरो केल्विन। सो अगर यहाँ से वेपोराइजेशन हुआ, वेपर बनेगी, वो वेपर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो अगर इस वेपर को एटमॉस्फेयर में जाने से रोक लें, तो ये वेपर इस सरफेस से टकराएगी, कंडेंस होगी और वापस लिक्विड फॉर्म में नीचे आ जाएगी। तो याद रखें, अगर इसे क्लोज कंटेनर बना दें तो यहाँ से जितना वेपोराइजेशन होगा उतना ही धीरे धीरे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक ऐसा टाइम भी आएगा जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, इक्वल। और इस कंडीशन में एक इक्विलिब्रियम यहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाएगा, जो कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, जो एवरी टाइम मूव करेगा, जो दोनों टाइप चलेगा, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड और टोटल अमाउंट ऑफ वेपर एट इक्विलिब्रियम बिकम्स कॉन्स्टेंट। सो ए वेपर इज एसोसिएटेड विथ एवरी लिक्विड एट एवरी टेम्परेचर, फिर एट लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, लिक्विड से वेपर बनेगा और वेपर से अगेन लिक्विड बनेगा। लिक्विड से वेपर बनना वेपोराइजेशन और वेपर से लिक्विड का बनना कंडेंसेशन। तो ये लिक्विड और वेपर के बीच इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, रेट ऑफ वेपोराइजेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। और इससे क्या होगा, इस कंडीशन को अचीव करने पर क्या होगा, उस टाइम पर अमाउंट ऑफ वेपर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर बिकम्स कॉन्स्टेंट इन दिस कंटेनर। वेपर की अमाउंट क्या हो जाएगी, यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। उस वेपर के द्वारा इस लिक्विड सरफेस पर जितना प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा उसे ही क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। अगर ये अमाउंट फिक्स नहीं हुई तो वेपर प्रेशर की वैल्यू भी चेंज होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए उसके बाद वेपर जितना लिक्विड सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है
उसी प्रेशर को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। तो मैं कह दूं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय, प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस वेपर एट लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम ऑन लिक्विड सरफेस इज नॉन एज वेपर प्रेशर। क्लियर। एक नोट याद रखें कि वेपर प्रेशर इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ, जब तक लिक्विड और उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वेपर प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो याद रखें, वेपर प्रेशर इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्लियर। तो लिक्विड और उसका टेम्परेचर अगर चेंज नहीं होगा तो वेपर प्रेशर की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। तो नंबर वन बात करें, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। तो एक एग्जांपल मैं पूछूं कि अगर ये एक बड़ा सा मोर सरफेस एरिया वाला अगर कंटेनर है जिसमें एक लिक्विड फिलअप है और दूसरा एक ग्लास जिसका सरफेस एरिया कम है उसमें सेम लिक्विड फिलअप है, जैसे मैं कह दूं यहाँ पर वाटर फिलअप है एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्लास में भी वाटर ही फिलअप है एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर जो कि 1 और 2 कह दूं, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो वेपर प्रेशर 1 विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर 2। ऐसा क्यों हुआ, ध्यान दें, इससे पहले एक लाइन पढ़ी कि वेपर प्रेशर इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। जब लिक्विड और टेम्परेचर ही चेंज नहीं हुआ तो वेपर प्रेशर भी चेंज नहीं होगा, या यूँ समझ सकते हैं, ये क्लोज होना चाहिए, यूँ समझ सकते हैं कि इसमें हालांकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसमें वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा, लेकिन वो ज़्यादा सरफेस एरिया से जो ज़्यादा वेपोराइजेशन हुआ, ज़्यादा वेपर बनी, उसे ज़्यादा लिक्विड सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर सरफेस एरिया कम है तो कम वेपर बनेगी, तो कम वेपर को कम सरफेस एरिया पर प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए वेपर प्रेशर की वैल्यू याद रखें, जब तक लिक्विड और टेम्परेचर चेंज नहीं हो तब तक चेंज नहीं होती है, या यूँ कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर लिक्विड के सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। तो याद रखें कि वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, बट टेंडेंसी ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वेपोरेशन ज़्यादा होगा, इसलिए तुम कह सकते हो कि वेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो याद रखें, सरफेस एरिया पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता जबकि वेपोरेशन डिपेंड करती है। बात करें सेकेंड फैक्टर, टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सिंपल सी बात, वेपोरेशन इंक्रीज होगा और वेपोरेशन अगर इंक्रीज हुआ तो अमाउंट ऑफ वेपर इंक्रीज होगी और अमाउंट ऑफ वेपर इंक्रीज होगी तो वो वेपर लिक्विड सरफेस पर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी, मतलब वेपर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो याद रखें, टेम्परेचर
इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं है। तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वेपर प्रेशर पर वो किससे बताते हैं? क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से। तो याद रखें, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर किससे बताया जाएगा? क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से। जिसमें अगर बात करें तो इसका मतलब होता है P इज इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस डेल्टा एच वी अपॉन आर टी, जिसे अगर आगे सॉल्व करें अपॉन सॉल्विंग फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर, दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए अगर इसे सॉल्व करें तो P को मैं कह दूँ P1 और T को कह दूँ T1, P को कह दूँ P2 और T को कह दूँ T2। तो इस कंडीशन में ये फॉर्मूला बन के आएगा, log P2 by P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वी अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। और इसी इक्वेशन से अपने को क्या सोल्व करना है? क्वेश्चंस। तो जिसमें P2 का मतलब क्या हुआ? वेयर P2 इज इक्वल टू वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2, P1 वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1, देन T1 और T2 याद रखें यहाँ पर किस में होगा? केल्विन स्केल में होगा। और R की वैल्यू जो कि यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, ध्यान दें R की वैल्यू डिपेंड करेगा किस पर? डेल्टा एच वी पर, हीट ऑफ एपोरेशन पर। तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू या तो यहाँ होगी 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन या 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। डेल्टा एच वी का मतलब होगा यहाँ पर हीट ऑफ वेपोरेशन, या इसे लेटेंट हीट भी कह सकते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन या इसे एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन भी कहा जा सकता है। क्लियर? एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करें क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से कि इफ टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 127 डिग्री सेंटीग्रेड, देन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स 3 टाइम्स, देन फाइंड आउट हीट ऑफ वेपोरेशन ऑफ लिक्विड। तो फॉर्मूला अप्लाई करें, लॉग P2 by P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वी अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। लॉग P2 by P1, ध्यान दें क्या बोला, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स 3 टाइम्स, मतलब P2 की वैल्यू अगर 3 कहें तो P1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, लॉग 3/1 will be equal to delta HV upon 2.303 into R, gas constant. Gas constant की value अगर 2 रखें तो delta HV की value कैलोरी में आएगी, और अगर 2 into 10 to power minus 3 रखें तो delta HV की value किलो कैलोरी में आएगी, अगर 8.31 रखें तो delta HV की value जूल में, और 8.31 into 10 to power minus 3 रख दें तो किलो जूल में वैल्यू आ जाएगी। इसलिए बेटर मैं 2 में रख दूं, या फिर जैसा क्वेश्चन में पूछा हुआ है वैसा रखना पड़ेगा। अगर मैं इसे 2 रखता हूं तो ये वैल्यू निश्चित रूप से क-
कैलोरी होगी। T2 टेम्परेचर ध्यान दें 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 127 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो ये T2 हो गया 127 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने पर 273 प्लस करना पड़ेगा, आ जाएगा 400 केल्विन। ऐसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 होगा 300 केल्विन। तो T2 400 माइनस 300 अपॉन 300 इंटू 400 लॉग 3/1 सॉल्व हो जाएगा, सारी वैल्यू सॉल्व होगी। ये डेल्टा एच वी की वैल्यू किस में आ जाएगी, कैलोरी में। क्लियर? तो इसको सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। तो तुमने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। अगर टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का अगर ग्राफ बनाया जाए, मैं कह दूँ ये वेपर प्रेशर और ये टेम्परेचर, तो इसका ग्राफ लीनियर नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, क्योंकि P=P0 e^(-ΔHV/RT) ये इक्वेशन होती है, इसलिए इसका ग्राफ इस तरह से आएगा, एक्सपोनेंशियल इसमें ग्रोथ होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। थर्ड फैक्टर बात करें इंटरमोलेक्युलर फोर्स, जिसे मैं शॉर्टकट में लिख दूं IMF। तो एक कंटेनर अगर लूं जिसमें एक लिक्विड है, तो ये लिक्विड इसका जो सरफेस पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल है, लिक्विड मॉलिक्यूल है, अगर वो सरफेस को छोड़ना चाहे, सरफेस से बाहर जाना चाहे, तो इसके अंदर की ओर जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, वो लिक्विड मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। इस अट्रैक्शन फोर्स को इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा हुआ, तो इस लिक्विड मॉलिक्यूल का बाहर जाना, वेपोराइज होना इम्पॉसिबल हो जाएगा या डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो याद रखें, इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर ज़्यादा हुआ, तो अमाउंट ऑफ वेपोराइजेशन कम हो जाएगी, जिससे वेपर प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि कम वेपर बन रही है, और कम वेपर बन रही है तो वो लिक्विड सरफेस पर कम ही प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो याद रखें, इंटरमोलिकुलर फोर्स और वेपर प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं कहना चाहूँ, अगर मैं पूछूँ कि ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर अमॉन्ग फॉलोविंग, फर्स्ट कह दूं मैं वाटर, सेकंड कह दूं इथेनॉल, थर्ड कह दूं बेंजीन। तो देखिए ध्यान से, इंटरमोलिकुलर फोर्स वास्तव में दो टाइप के होते हैं, याद रखें, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड और एक वांडरवाल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा ही वांडरवाल फोर्स से स्ट्रोंगर फोर्स होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट तभी करेगा जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो। तो H2 और H2 के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। H2 और H2 के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि इथेनॉल और इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड ही इंटरमोलिकुलर फोर्स है। बेंजीन का एक मॉलिक्यूल और बेंजीन का ही दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच में वांडरवाल फोर्स होगा। तो पहली बात, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, तो ये वांडरवाल फोर्स से मोर स्ट्रोंगर होंगे। अब इन दोनों के कंपेरिजन में कंपेयर करें, तो H2O में जो
एस्टो में हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रोंगर होता है किससे, इथेनॉल वाले हाइड्रोजन बॉन्ड से, क्योंकि इथेनॉल में आर ग्रुप कौन सा होता है, C2H5, जबकि एस्टो में आर ग्रुप का मतलब एच होता है। तो इसीलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स का ऑर्डर आया सबसे ज़्यादा हुआ एस्टो में, उससे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स हुआ इथेनॉल में और सबसे कम बेंजीन में। तो इसीलिए वेपर प्रेशर का ऑर्डर इंटरमोलिकुलर फोर्स से उल्टा है। तो इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर एस्टो में ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर एस्टो में कम होगा, मिनिमम होगा, उससे ज़्यादा इथेनॉल में और सबसे ज़्यादा बेंजीन में। नंबर फोर फैक्टर बात करें, बॉइलिंग पॉइंट। तो समझें थोड़ा सा, अगर ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, इसे हीट करें तो क्या होगा, ध्यान दें, हीट करने पर जो सबसे नीचे वाला मॉलिक्यूल है उसको, वो सबसे पहले हीट होगा, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, वो भाग के क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाके अदर मॉलिक्यूल का क्या बोलेगा कि मैं तो जाऊंगा, मैं तो यहाँ से सरफेस छोड़कर भागूंगा। पड़ोसी मॉलिक्यूल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के कारण से उसे क्या करेंगे, स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। क्लियर? अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा, और अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वीक हुआ तो ये मॉलिक्यूल इजीली यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो याद रखें, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज़्यादा हुआ तो अमाउंट ऑफ वेपोराइजेशन कम होगा, तो अमाउंट ऑफ वेपोराइजेशन कम होगा, और अगर अमाउंट ऑफ वेपोराइजेशन कम हुआ तो इसे वेपर स्टेट में बदलने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं कह दूँ, मोर टेम्परेचर विल बी रिक्वायर्ड फॉर वेपोराइजेशन, तो वेपोराइजेशन के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। और मोर टेम्परेचर, इसलिए ये टेम्परेचर ही तो क्या है, यही तो बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। क्लियर? तो IMF अगर ज़्यादा हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर कम हुआ तो अमाउंट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, इसलिए एवेपोरेशन लेस टेम्परेचर पर ही हो जाएगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो याद क्या रखें कि इंटरमोलिकुलर फोर्स और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और साथ साथ वेपर प्रेशर को भी जोड़ दें तो वेपर प्रेशर और इंटरमोलिकुलर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। इसलिए याद क्या रखें कि इंटरमोलिकुलर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। इक्वेशन सॉल्व करें इसी पे, अगर मैं कह दूं कि ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर सॉल्व करना है, फर्स्ट HF, सेकंड HCl, HBr और HI में, तो सबसे पहले क्या देखें, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो HF का एक मॉलिक्यूल और HF का सेकंड मॉलिक्यूल में इंटरमोलिकुलर फोर्स, HCl और HCl में इंटरमोलिकुलर फोर्स, HBr और HBr में, और HI और HI में इंटरमोलिकुलर फोर्स। HF HF में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। HCl HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, वैन डर वाल बॉन्ड। HBr HBr में वैन डर वाल बॉन्ड, HI HI में वैन डर वाल बॉन्ड। ध्यान रखें एक और बात कि वैन डर वाल फोर्स की जो स्ट्रेंथ है, वैन डर वाल बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, जिसकी साइज ज़्यादा उसका वैन डर वाल फोर्स स्ट्रेंथ ज़्यादा। और अगर साइज अगर बराबर हो जाए कहीं पर, टाई अप हो जाए, तो
तो इसे किससे रिलेट करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट से। ये दो बातें याद रखें कि अगर वैन डेर वाल बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर फाइंड आउट करना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, और अगर साइज इक्वल हो जाए तो मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान दें, इन तीनों में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो है वैन डेर वाल बॉन्ड, इसलिए टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ रही है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन प्रेडिक्टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं, आयोडीन की साइज सबसे ज़्यादा, इसलिए एचआई की साइज भी सबसे ज़्यादा होगी। इसलिए टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ने के कारण वैन डेर वाल फोर्स स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा वैन डेर वाल फोर्स किस में हो जाएगा? एचआई में, और सबसे कम एचसीएल में। जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो वैन डेर वाल फोर्स से हमेशा ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए ये तो इन तीनों से ज़्यादा स्ट्रांग ही होगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का ऑर्डर क्या आएगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा एचएफ, उससे कम, ध्यान दें, इससे कम, यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा क्या हुआ? एचआई, फिर कम एचबीआर, फिर उससे कम एचसीएल, इसलिए एचएफ से कम एचआई, फिर एचबीआर और फिर एचसीएल। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, इंटरमोलिकुलर फोर्स और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी कहा अपन ने इंटरमोलिकुलर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी सेम आ जाएगा, जबकि वेपर प्रेशर का ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा। क्लियर? नंबर फाइव बात करें सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन का मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड पर जो फोर्स होगा, ध्यान दें ये जो लिक्विड है तो मॉलिक्यूल केवल अंदर की ओर है, इसीलिए लिक्विड के सरफेस पर एक इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा जो इसमें लिक्विड सरफेस के अंदर की ओर वर्क करेगा, या यूँ कह दें हर एक लिक्विड सरफेस अंदर की ओर आना चाहता है। इसका रीज़न क्या हुआ, क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर अदर मॉलिक्यूल हैं, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा हुआ तो सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगा, या यूँ कहें सरफेस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसलिए सरफेस टेंशन भी एक तरह का इंटरमोलिकुलर फोर्स ही है, या इनडायरेक्टली अपन कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। बस इतना याद रखें। नेक्स्ट बात करें नंबर सिक्स, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी तो रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ ए लिक्विड इज नॉन एज विस्कोसिटी। जैसे मैं कह दूं इसमें ये एक लिक्विड की ड्रॉप है, अगर ये वाला पार्टिकल, लिक्विड का पार्टिकल यहाँ से बहना चाहे, लुढ़कना चाहे, और पड़ोस वाले मॉलिक्यूल इसे रोक लें, क्यों रोक लें? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, तो ये नहीं बहेगा, मतलब विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो यूँ कह दें कि ये भी क्या है, ये भी एक तरह का इंटरमोलिकुलर फोर्स ही है, तो कह सकते हो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। तो ओवरऑल सभी अगर फैक्टर्स को एक साथ कंबाइंड करें तो ये होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। इस चैप्टर में ये रिलेशन ही अपने को काम में आएगा, याद रखें। तो इसलिए ये रिलेशन इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखें कि इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाएगा, और विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट बात करें वेपोराइजेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस। तो सबसे पहले बात करें वेपोराइजेशन में कहीं टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो बात करें अगर ये कंटेनर है, अगर इसमें लिक्विड रखा है तो वेपोराइजेशन होगा, बस कम टेम्परेचर पे कम और ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा। वेपोराइजेशन केवल जीरो केल्विन टेम्परेचर पे, याद रखें, नहीं होता है।
जीरो केल्विन के अलावा हर एक टेम्परेचर पे वेपोराइजेशन होगा। इसीलिए वेपोराइजेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। वेपोराइजेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, इसके लिए क्या जाएगा, नेगेटिव। जबकि बॉइलिंग में, बॉइलिंग तब तक नहीं होगा जब तक इसे हीट नहीं करें, या यूं कह दें कि बॉइलिंग के लिए हीटिंग की रिक्वायरमेंट है, विदाउट हीटिंग ये बॉयल नहीं होगा। इसलिए बॉइलिंग एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब डेल्टा जी इसका पॉजिटिव होगा। नंबर टू, जो वेपोराइजेशन है वो हर एक टेम्परेचर पे पॉसिबल है। मैंने अभी कहा जीरो केल्विन के अलावा हर एक टेम्परेचर पे पॉसिबल है। तो याद रखें, वेपोराइजेशन इज पॉसिबल एट एवरी टेम्परेचर एक्सेप्ट जीरो केल्विन। और बॉइलिंग में अगर बात करें तो बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। जैसे वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉयल होगा और किसी अन्य टेम्परेचर पे नहीं। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर होता है। तो बॉइलिंग अकर्स, बॉइलिंग अकर्स एट ए डेफिनेट टेम्परेचर नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट। नंबर थ्री, जब वेपोरेशन होगा तो केवल जो ऊपर का, सबसे ऊपर का लिक्विड सरफेस के सबसे ऊपर का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ से निकल जाता है, नीचे वाले मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब नहीं करता। जबकि बॉइलिंग में सबसे पहले नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर जाता है तो वो पूरे के पूरे बल्क को डिस्टर्ब करता है। इसीलिए जो वेपोराइजेशन है वो एक सरफेस फिनोमेनन है, एक सरफेस की फिनोमेनन है, जबकि बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेनन है, याद रखें। नेक्स्ट, बॉइलिंग में क्या होगा, अगर ये मॉलिक्यूल अगर यहाँ से निकल गया तो सबसे पहले कौन सा मॉलिक्यूल निकलता है, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है वो मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस को जल्दी लीव करता है, जल्दी छोड़ता है। और अगर ज़्यादा एनर्जी वाला मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल निकल गया तो पीछे लिक्विड के पास कम एनर्जी बचती है, इसलिए उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन। तो याद रखें, वेपोराइजेशन में टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है, हमेशा कूलिंग होती है। ज़्यादा वेपोराइजेशन होगा, ज़्यादा कूलिंग होगा। घड़े का अगर एग्जाम्पल लें, घड़े के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स से पानी बाहर आता रहता है, बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी आता है और उसमें उससे वेपोराइज होता है घड़े की सरफेस से। जैसे जैसे वेपोराइजेशन होगा वैसे वैसे कूलिंग हो जाएगी, तो घड़े की सरफेस क्या हो जाएगी, कूल। और अगर वो कूल हुई तो घड़े के अंदर रखा पानी भी क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। सेम बात यहाँ अप्लाई होती है। तो बात करें नंबर फोर कि ड्यूरिंग वेपोराइजेशन लिक्विड मॉलिक्यूल हैविंग मोर एनर्जी लीव द लिक्विड सरफेस। क्लियर? तो जो लिक्विड मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा हैं वो लिक्विड सरफेस को लीव कर देते हैं। दैट्स व्हाई सो टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज। सो अगर टोटल एनर्जी लिक्विड की डिक्रीज हुई तो टेम्परेचर बिकम्स डिक्रीज, या यूं कह दें कि मोर वेपोराइजेशन तो मोर कूलिंग। जितनी ज़्यादा वेपोराइजेशन होगा
उतना ही टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, कूलिंग होती जाएगी। तो याद रखें, मोर वेपोरेशन मोर कूलिंग। अगर बात करें बॉइलिंग में, बॉइलिंग में अपन क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली से हीट कर रहे हैं, इसलिए जितनी एनर्जी लिक्विड को छोड़ के जा रही है उतनी ही एनर्जी तुम हीटिंग से इसे दे रहे हो। इसीलिए बॉइलिंग में हमेशा टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो क्या यूँ कह दें, तुमने पढ़ा भी होगा कि बॉइलिंग एक फेज चेंज है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो बॉइलिंग अकर्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, इसमें ना तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। तो अगर ये कंटेनर है जिसमें लिक्विड है, अगर इसे हीट करें तो हीट करने पर लिक्विड का वेपोरेशन होगा, वेपर बनेगी। इस वेपर के कारण से इस लिक्विड पर अगर ये क्लोज होता तो वेपर प्रेशर जनरेट होता। तो ध्यान रखें, अगर इसे हीट करेंगे तो जो वेपर होगी वो तो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाए, इसे अगर इतना हीट करें कि इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाए या जो ये एक्सटर्नल प्रेशर है इसके इक्वल हो जाए, वो टेम्परेचर ही क्या होता है, इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, या लिक्विड उसी टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर। तो तुम कह सकते हो कि एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू पी एटमोस्फियर और पी एक्सटर्नल। तो याद रखें, बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होगा, लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर या एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन कहूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज, तो ध्यान दें 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो एट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना, 1 एटमॉस्फेयर, या इसे mmHg में लिखें तो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, या इसे टोर में लिखना चाहें तो 760 टोर, क्योंकि 1 mmHg इज इक्वल टू 1 टोर, याद रखें। तो वाटर का वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। क्वेश्चंस में तुमसे पूछा जाएगा, जिसमें क्वेश्चन में इनडायरेक्टली लिखा जाएगा कि वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर कहीं पर लिखा मिल जाए कि वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब क्वेश्चन तुम्हें इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि कंसीडर वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। उसने इनडायरेक्टली वेपर प्रेशर की वैल्यू तुम्हें गिवन है जो कि 1 एटमॉस्फेयर होगी। तो एक और बात करें अपन, क्या एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करने पर बॉइलिंग पॉइंट में चेंज होगा। तो देखें, याद रखें, अगर एक्सटर्नल प्रेशर, जैसे मैं कह दूं कि अगर अपन हाइट पे चले जाएं, माउंटेन्स पे चले जाएं, तो एट हाइट पे अगर जाएं, तो हाइट पर जाने पर एटमॉस्फेयर प्रेशर या प्रेशर ऑफ एयर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हुआ तो लिक्विड का वेपर प्रेशर कम टेम्परेचर पर ही एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो
वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर एट लेस टेम्परेचर। ध्यान दें क्या बोला कि अगर एटमोस्फेयर प्रेशर ही तुमने ये प्रेशर ही अगर डिक्रीज कर दिया तो इसे कम हीट देने पर ही इसका वेपर प्रेशर इस एटमोस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। इसीलिए अगर जब ये इक्वल हो जाता है उसी टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। और अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ तो जो कुकिंग प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। मतलब कुकिंग में जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ तो टाइम टेकन इन कुकिंग क्या हो जाएगा, इनक्रीज हो जाएगा। सेम ऐसे ही बात करें अगर डेप्थ में, तो डेप्थ में एटमोस्फेयर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो अगर एटमोस्फेयर प्रेशर इंक्रीज हुआ, अगर ये एटमोस्फेयर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो इसे इस वेपर के, इस लिक्विड के वेपर प्रेशर को एटमोस्फेयर प्रेशर के इक्वल करने के लिए तुम्हें ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेयर प्रेशर एट मोर टेम्परेचर। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और कुकिंग में जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा, मतलब चीज़ें जल्दी कुक हो जाएंगी। तो याद रखें एक्सटर्नल प्रेशर में चेंज होने पर बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज होता है। क्लियर, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।